इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवन टर्म ऑफ एपी इज सिक्स। देखो आपके पास एक एपी है, नाच मेरी जान, नाच मेरी जान हो के मगन तू, वो के भुला दे किंतु परंतु। घूम रहा है। चलो आपसे कह रहा है आपके पास सम है तीसरी और सातवीं टर्म का, तो तीसरी और सातवीं टर्म का सम जो है वो कितना है, सिक्स है। तो तीसरी क्या होती है, ए प्लस टू डी, सातवीं क्या होती है, ए प्लस सिक्स डी, इसका सम कितना, सिक्स। तो ए और ए कितना हो जाएगा, टू ए, सिक्स डी प्लस फोर डी, सिक्स डी प्लस टू डी कितना हो जाएगा, एट डी, ये किसके बराबर है, सिक्स के। दो कॉमन ले लो, ए प्लस फोर डी इज इक्वल टू आ जाएगा थ्री। इक्वेशन नंबर वन जो कह रखा है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बन गई। आगे बोल रहा है और उनका प्रोडक्ट, अगर मैं ए थ्री और ए सेवन का प्रोडक्ट करूँगा तो कितना आ रहा है, ये आठ। अरे बड़ी अच्छी बात है भाई, ठीक है आ गया। देन द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बताओ। तो ए थ्री का वैल्यू, ए थ्री कितना आपके पास, ए प्लस टू डी, और वहीं आपके पास ए प्लस टू डी, और ए सेवन कितना आपके पास, ए प्लस सिक्स डी, ये किसके बराबर है, आठ के। तो पहली वाली इक्वेशन से एक काम कर लें आप, ए की वैल्यू निकाल लें, ए इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री माइनस के फोर डी, कितना हो जाएगा, थ्री माइनस के फोर डी। तो ए की जगह रख सकते हो आप थ्री माइनस के फोर डी, ये प्लस का टू डी ऐसे ही चल रहा है। वैसे ही यहाँ करोगे, ए की जगह कितना रख दोगे आप, थ्री माइनस का फोर डी प्लस के सिक्स डी, आप ऐसे रहने दोगे, ये आठ है आपके पास। तीन ऐसे रहेगा, फोर डी में से टू डी निकालोगे तो माइनस का टू डी, तो थ्री माइनस का टू डी, ऐसे आप यहाँ देखेंगे तो ये थ्री प्लस का टू डी है इज इक्वल टू एट। ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर है, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो इसका मतलब पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू एट। तीन का स्क्वायर हो गया नौ, माइनस के फोर डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एट। ये उधर को ले जाओ तो ये प्लस का फोर डी स्क्वायर हो गया, और आठ इधर को ले जाओ माइनस को हो जाएगा, तो नौ में से आठ निकालेंगे एक बचेगा, तो यहाँ से डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा वन बाई फोर, और यहाँ से डी अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस वन अपॉन टू। तो कहाँ है प्लस माइनस वन अपॉन टू, अरे यहाँ है भैया, हम लगा दो हमें। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आपका अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन प्रैक्टिकली और प्रैक्टिस के हिसाब से आपका सारा हो जाता है। इसका लेक्चर कंप्लीट है, यूट्यूब पर जाकर देखें, प्लेलिस्ट के अंदर सारे क्वेश्चंस हैं, एक ही प्लेलिस्ट के अंदर सारे क्वेश्चंस देख लें, आपकी 10+2 की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की। जिस तरह से मैंने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन अपलोड कर दिया उसी तरीके से आपके सामने नंबर सिस्टम भी है, पॉलिनोमियल भी है, और नंबर सिस्टम पॉलिनोमियल के बाद में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी भी करा रखी है। तो ये कुछ चैप्टर्स हो रखे हैं, इनको करें, क्वाड्रेटिक भी चल रहा है साथ में, बस आप साथ दें और मैं आपके साथ देने की वजह से बहुत आगे आपको ले जाऊँगा।